दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दिवाली की साफ सफाई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं कि जो सामान्य सी ये साफ सफाई की विधि होती है, जो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, अपने घर में करते हैं, उसके पीछे भी एक रहस्य होता है जिसको समझना अति आवश्यक होता है। देखिए, सफाई का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चमका लें, साफ कर लें। ये महत्व होता है कि जो आपके घर में कूड़ा कबाड़ की चीज़ें हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको उपयोग के लिए सही नहीं हैं, उनको घर से निकालना दिवाली की सफाई का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, यदि आप दिवाली की सफाई करते समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। दोस्तों, ये दावे के साथ कह रही हूँ, आप भी अपने जीवन में अपने आसपास गौर कीजिए कि जो बातें मैं कहने जा रही हूँ, यदि ऐसा किसी के घर में है तो निश्चित रूप से दरिद्रता उनके घर में वास करेगी। कमाई चाहे जितनी भी हो, लेकिन दरिद्रता कहीं ना कहीं से प्रवेश उनके घर में कर ही जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, करना ये है आपको कि जब आप दिवाली की सफाई करें तो आप अपनी दीवारों को खूब अच्छी तरह से साफ करें। घर साफ करते हैं, अलमारी, जो भी चीज़ें हैं आप अपने घर की, उनको अच्छे तरह से चमका देते हैं। तो ये करने के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि यदि आपके घर में खराब बर्तन है, किचन में टूटे हुए बर्तन हैं, तो चाहे वो जितने भी महंगे हों, आपके फेवरेट हैं, या फिर उनमें क्रैक है, या फिर स्टील के बर्तनों में अक्सर दरार आ जाती है, ऐसे बर्तनों को आप बिल्कुल निकाल दें। दोस्तों, ऐसे बर्तनों का प्रयोग करना घर में वास्तु दोष को जन्म देता है। ऐसा दोष कि यदि उस बर्तन में खाना खाने वाला व्यक्ति प्रतिदिन खाना खाता है, तो चाहे वो कुबेर के समान धनवान भाग्य लेकर क्यों ना आया हो, लेकिन वो भी दरिद्र के समान जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए, बातें बिल्कुल छोटी हैं, और यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपको इन बातों की सलाह अवश्य देते होंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि ये बातें आज की नहीं हैं, बहुत पहले की बातें हैं और पूर्वजों की बातें हैं। वास्तु शास्त्र में भी लिखा गया है कि जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, चाहे वो कांच के हो या फिर स्टील के, अक्सर दरारें आ जाती हैं। तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, और उनको निकालने का सबसे उचित समय यही होता है, यानी कि जब आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं, उस दौरान अपने घर को चमकाने के अलावा भी इन चीज़ों का ध्यान दें कि जो चीज़ें आपके उपयोग के लिए सही नहीं हैं, उनको आप घर से निकाल दें। अब बारी आती है पूजा के बर्तनों की। देखिए, पूजा के बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। उनकी थाली पूजा की थाली होती है, भगवान के बर्तन होते हैं। तो इनमें देखिए, जो बर्तन अंदर से बहुत ज़्यादा पिचक गए हैं, या फिर खराब हो गए हैं, या फिर कहीं से उनमें पानी टपकता है, तो ऐसे बर्तनों का उपयोग पूजा के समय तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। यानी कि छिद्र वाले बर्तन जो होते हैं, वो पूजा में जब आप उपयोग करते हैं तो दोष उत्पन्न करते हैं, और उस दोष के कारण आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अपने पूजा घर में ध्यान दें कि कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसा दीपक जो कि जलाने के बाद उसमें से तेल टपक रहा है, खराब हो चुका है, ऐसे पूजा के बर्तनों का दीपक आपको त्याग कर देना है। तो सफाई के साथ साथ इन चीज़ों का यदि ध्यान नहीं दिया आपने, तो जीवन में समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। देखिए, एक चीज़ और बता दूं आपको, हम कहते हैं लक्ष्मी का आगमन दिवाली के दिनों घर में होता है।
कैसे होता है लक्ष्मी का आगमन, इस चीज को ध्यान रखे तो दिवाली की रात कोई धन वर्षा तो दोस्तों होगी नहीं। होता ये है कि आपके घर में पूजा पाठ और सकारात्मक वातावरण इतना प्रबल होता है कि आपके घर में कुछ ऐसी आभा आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, प्राकृतिक शक्तियाँ जिनको कहते हैं, वो आपके ऊपर आकर आपके परिवार में आकर सद्बुद्धि पैदा करती हैं। जिधर आप हाथ लगाते हैं उधर आपको बरकत दिखाई देने लगती है। जो भी कार्य करते हैं आप उनमें आपको उन्नति देने लगती हैं। तो अब किसी भी तरह से आप तो समझ ही गए कि ऐसे ही आती है माँ लक्ष्मी। कभी भी धन वर्षा नहीं होती है क्योंकि ये कलयुग है। आप सभी जानते हैं कि कलयुग में धन वर्षा जैसी कोई चीज संभव ही नहीं है। हम कर्म करते हैं और कर्म करने की प्रेरणा जो है वो हमारे मस्तिष्क से आती है और यही है सकारात्मक चीजें। दोस्तों शास्त्रों में क्यों कहते हैं कि आप भजन सुने, आप मंत्र सुने, आप पूजा करें, क्योंकि उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति है तभी घर में लक्ष्मी का आगमन संभव है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि घर में जितने भी आपके टैप हैं यानी कि नल हैं जो भी, तो उनमें से पानी नहीं टपकना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि घर में जब बूंद बूंद करके पानी टपकता है तो आपकी आमदनी के अनुसार आपके खर्चे बहुत अधिक हो जाते हैं। धन घर में टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है व्यर्थ के खर्चों में। इसलिए खराब नल जल्दी से ठीक करवा लें। इस चीज का ध्यान रखें कि घर में जितने भी नल हो वो सही दुरुस्त होने चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, जब आप अपने घर की साफ सफाई जो है पूर्ण कर लें, तो पूर्ण करने के पश्चात एक बार इन चीजों का ध्यान आप दें कि आपके घर के दरवाजे टूटे हुए हैं तो उन्हें जरूर ठीक करवा लें, या फिर आपके पलंग या फिर घर की कुर्सियां टूटी हुई हो तो ऐसी चीजों को आप हटा दें या तुरंत ठीक करवा लें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ कहने वाली नहीं है, ये वास्तविक जीवन में आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। और हाँ एक चीज और बता दूं, ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ उसके पीछे मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। ये चीजें आप करके देखिए, खुद आपको फर्क पता लगेगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। क्योंकि दोस्तों ये बातें मैं खुद नहीं बता रही, ये बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। साफ सफाई के लिए हमें हमेशा से कहा जाता है, ये सभी बातें भी साफ सफाई में ही आती हैं। तो आप इन्हें खुद अपना कर देखिए कि कितना सकारात्मक बदलाव होता है आपकी लाइफ में।